नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुहर्रम की 9 तारीख को शाहनवाज हुसैन व वसीम हैदर के आवास पर मजलिस का आयोजन किया गया। इस दौरान शिया समुदाय के लोगों ने पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद कर शोक मनाया। मुहर्रम की 9 तारीख को मजलिस का आयोजन हुआ। मंगलवार के दोपहर मजलिस का आयोजन हुआ, जिसमें शिया सोगवारों ने इमाम हुसैन को याद किया और अकीदत पेश की। नौखवानी काशिफ ककरोली व मरसिया बबलू ककरोली ने की। मजलिस में लखनऊ से तशरीफ लाए मौलाना किरताज करबलाई ने खिताब करते हुए कहा कि माह मुहर्रम गम का महीना है, जिसमें रसूल मकबूल के नवासे इमाम हुसैन को करबला में भूखा व प्यासा शहीद किया गया। करबला की जंग हक और बातिल के दरमियान थी। हुसैन हक पर थे, जो दीन इस्लाम बचाना चाहते थे, लेकिन यजीदी लश्कर ने इमाम हुसैन को करबला के मैदान में उनके घर वालों के साथ शहीद कर दिया। इमाम हुसैन ने अपनी शहादत से पूरी दुनिया को यह पैगाम दिया था कि कभी भी जुल्म के सामने सर झुकाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि मुहर्रम महीने के शुरू के 10 दिन को आशराए मुहर्रम कहा जाता है। हजरत इमाम हुसैन की शहादत मुहर्रम की 10वीं तारीख को हुई थी, इसलिए 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक मातम मजलिस व जुलूस का सिलसिला जारी रहता है। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे यूट्यूब और फेसबुक चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।